गाइस कि आपके बच्चों के रिजल्ट्स आ गए हैं या फिर आने वाले हैं। ऐसे टाइम में खुद को संभालना या फिर बच्चों को संभालना ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क हो जाता है, क्योंकि ऐसे टाइम में दोनों के जो टेंशन का लेवल होता है वो एक डिफरेंट ही हाइट पे होता है। तो गाइस ऐसे टाइम में आपको कुछ ऐसी बातें मैं शेयर करने जा रही हूँ जिसे आप ध्यान में रखकर ऐसे टाइम में खुद को भी बैलेंस रख सकते हो और आप अपने बच्चों को भी बैलेंस रख सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो गाइस, मैं रंजीता एंड यू वाचिंग हेल्थ जोन, जहाँ हर ट्यूसडे एंड फ्राइडे मैं आपके लिए नई नई इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेटिव वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर ले एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर ले, सो दैट कि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन भी आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। कईयों के तो रिजल्ट आ चुके होंगे और कुछ के आने वाले होंगे। ऐसे टाइम में खुद को बैलेंस रखना और बच्चों को भी संभालना ये एक बड़ा टास्क हो जाता है। गाइज इस टाइम में ये ध्यान रखना हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा कि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं टेंथ के होंगे या फिर ट्वेल्थ को, ये एंड नहीं है, दिस इज़ द बिगनिंग नॉट द एंड। तो आपको ये बात अपने दिमाग में भी रखनी होगी और अपने बच्चों के भी दिमाग में रखनी होगी कि आप जो लाइफ में आगे बनने चाहते हो वो ये अभी एग्ज़ाम्स में आने वाले मार्क्स डिसाइड नहीं करेंगे, ये आप डिसाइड करोगे। हाँ, ये हालांकि ये इम्पॉर्टेंट स्टेज है लाइफ का जहाँ आपको पूरी तरह से मेहनत करनी पड़ती है, काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है जिसका आपको फल मिलने वाला होता है। बट गाइस अगर कुछ थोड़ा ऊपर नीचे हो जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आपका फ्यूचर ही बिल्कुल ब्लैंक हो जाएगा। नहीं गाइस, आपको इस बात को ध्यान रखकर पॉजिटिव रहना होगा और बच्चों को भी, खुद भी पॉजिटिव रखना होगा और बच्चों को भी पॉजिटिव रखना होगा। उन्हें हमेशा ये कॉन्फिडेंस उनके अंदर रखिए कि आप, दिस इज़ नॉट द एंड, दिस इज़ द बिगनिंग, और आगे भी आपको अपने लाइफ में कई मौके मिलेंगे जहाँ आप बेहतर कर सकते हो। गाइस बहुतों की ये आदत होती है कि वे हमेशा बीते बातों का रोना रोते रहते, अपनी मजबूरियों का गाना हमेशा गाया करते हैं। आपके पास जो मौका है, आपके पास जो फैसिलिटीज़ है, जो भी चीज़ है, आप उसको ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करें, ना कि आपके पास जो नहीं आप उसका रोना रोए। तो साथ में ये बात आपको भी ध्यान रखनी है और अपने बच्चों को भी समझाना होगा कि आप पिछली बातों को भूलकर आगे बढ़ने के बारे में सोचें। अगर प्रेजेंट में कुछ गलतियाँ हो भी गई हैं तो आप उनका एनालिसिस करें बैठकर और आगे के स्टेप्स के बारे में ध्यान से सोचें और पॉजिटिवली आगे बढ़ें। गाइस आपको एक्सेप्ट करने की एबिलिटी होनी चाहिए और साथ में बच्चों में भी ये एबिलिटी आपको डालनी होगी कि आपके पास जो भी चीज़ें हैं, जो भी सिचुएशंस है, आपके पास जो भी है, जैसा भी, आप उसे एक्सेप्ट करेंगे और आगे बढ़ेंगे। ऐसा नहीं है कि आप उसका बैठकर रोना रोए और बस सर पे हाथ रखकर बैठ जाओ और वहीं रुक जाए। नहीं, आपको चीज़ों को एक्सेप्ट करना है और उसमें से ही रास्ता ढूंढना है और आगे बढ़ना है। साथ में आपको इस बात का भी ध्यान रखना हो कि सारे टॉपर्स कामयाब नहीं होते। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मार्क्स बहुत कम आए होते हैं या फिर बहुत छोटी एज में जिन्होंने पढ़ाई छोड़ दिया होता है या किसी कारण की वजह से उनकी पढ़ाई छूट गई होती है, फिर भी वो लाइफ में काफ़ी आगे बढ़ गए होते हैं। तो आपको ऐसे लोगों को इंस्पिरेशन के रूप में लेकर आगे बढ़ना होगा और साथ में ये बात भी अपने अंदर बिठा लेनी होगी कि मुझे भी आगे बढ़ना है। ये नंबर्स, ये जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं आपके, ये आपको रोकेंगे नहीं, आपको हर मुश्किल से को पार कर आगे बढ़ना और खुद को प्रूव करना है। आप घबराएं नहीं, दूसरा मौका भी आपके पास आएगा। अगर आपके कम मार्क्स आ गए हैं तो फिर से एग्ज़ाम होते हैं, कंपार्टमेंटल होते हैं जिसमें आप अपीयर होकर अपने मार्क्स बढ़ा सकते हो, और भी ऐसे कई मौके आएंगे आपके लाइफ में जिसमें आपको मौका मिलेगा अपने आप को बेहतर साबित करने का। तो गाइस आप डिप्रेस ना हो, ना ही अपने बच्चों को डिप्रेस होने दें, उन्हें पॉजिटिव रखें और खुद भी पॉजिटिव रहें और आगे बढ़ने के लिए उन्हें हमेशा मोटिवेट करते रहें, सो दैट कि आप भी रिलैक्स रहें और बच्चा भी आपका कूल रहे और ऐसे सिचुएशन को हैंडल वो आसानी से कर पाए। तो गाइस इन सारी बातों को ध्यान में रखकर आप भी कूल रह सकते हो और अपने बच्चों को भी बैलेंस वे में रख सकते हो और उन्हें पॉजिटिवली आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट कर सकते हो। सो थिंक पॉजिटिव एंड बी पॉजिटिव। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी और ये काफ़ी हेल्प करेगी आपको खुद को बैलेंस रखने में और आपके बच्चों को पॉजिटिव रखने में। अगर आपने वीडियो को पसंद किया तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूले और कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट भी कर सकते हो, ओपिनियन भी दे सकते हो, साथ में गाइड भी कर सकते हो मुझे किस टॉपिक में आगे वीडियोज़ बनानी चाहिए। एंड फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलती हूँ अगली वीडियो में। टिल देन बाय बाय।